छेड़छाड़ का बदला छेड़छाड़, बहू ने ससुर पर तो ससुर ने समधी पर दर्ज कराया 354 का मुकदमा। शिवपुरी में छेड़छाड़ के बदले छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराए जाने का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यह बहू ने ससुर पर बुरी नीयत से अश्लील हरकत और दुष्कर्म का प्रयास किए जाने का मामला दर्ज कराया, तो बदले में ससुर ने बहू के पिता यानी अपने समधी पर ही आरोप लगाया कि एक दलित महिला से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करा दिया। छेड़छाड़ के बदले छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराए जाने का हैरान कर देने वाला यह पूरा मामला खनियादाना थाना क्षेत्र के चमरोहा गांव का है। मंगलवार को इस मामले की शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंची एक महिला ने बताया कि 10 माह पहले उसके ससुर ने उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की, जिसकी रिपोर्ट उसने खनियादाना थाने में दर्ज कराई थी, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी केस में राजीनामा का दावा बनाने के लिए उसके ससुर ने एक महिला से सांठगांठ कर उसके पिता पर छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। वहीं महिला ने एसपी ऑफिस में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। कहाँ के रहने वाली? ससुराल तो खनियादाना में है, पर 10 महीना से मायके में रह रहे हो। तो आज एसपी ऑफिस आए हो, आप किस लिए आए हो यहाँ पर? इसलिए कि मतलब मेरा ससुर प्रीतम जो है ना, और नीरज, उसने मेरे पापा पर एक रिक्शा की, मतलब सुनीता नाम की लेडीज है, उसने मेरे पापा पर हरजना नेस्ट वो लगवा दी और छेड़ाछाड़ी की लगवा दी और 354। क्यों लगवाया, ये क्या कारण है? मतलब उसने झूठो केस लगवा दो, क्योंकि मतलब मैं उस ससुर पे 354 लगाए, तो वो कह रहा किस वापस, मतलब जी दब जाए धमकी के लिए, माँ बा के लिए। आपने 354 किस पे लगाया? ससुर पे। ससुर पे? हाँ। तो क्या गंदी हरकत करता था, क्या करता था? मेरे से कह रहा था मेरी घरवाली बन के रहे, और मेरे साथ उसने पकड़ा झकड़ी भी की और मुझे पलंग पे पटक दिया। मेरे से कहने लगा, मुझे गोदी में भी उठा लिया, मेरे से कहने लगा तेरा कौन ज़्यादा वजन है, 25 किलो तो वजन नहीं है। मैं कह रही पापा तुम क्या कर रहे क्या कर रहे, मतलब वो पलंग पे पटक दो पटक दो, मेरे कपड़ा भी उतार दे और मेरी साड़ी में हाथ भी डाल दा उसने। अच्छा, तो फिर इसकी आपने शिकायत की, तो फिर 300 वो उस पर धारे लग गए। हाँ, कमरा को गेट भी लगा लो, और फिर मैंने वहाँ से फिर मैं चिल्लाने से वो वहाँ से भाग गया ससुर। तो आपने बताया कि 10 महीने से आप अपने मायके में ही रह रहे हो। हाँ। तो अब क्या चाहते हो इस मामले में, मतलब तलाक देना चाहते हो, क्या चाहते हो, रहना चाहते हो वहाँ पे कि नहीं चाहते हो, क्या चाहते हो आप? मैं तो न्याय चाहती हूँ, न्याय। नहीं तो न्याय तो आपको मिल ही जाएगा जब रिपोर्ट हो गई, आपका केस दर्ज हो गया। ठीक है, मकान बेच खाओ कि तुमने, मतलब मेरे पति ने ससुर ने मकान बेच खाओ, तो अब आप अपने ससुराल में रहना भी चाहती? मैं कहाँ रहूँ, मकान ही बेच खाओ, मकान बेच खाओ, आप कहाँ रहूँ, मैं नहीं रहना चाहती अब, कहाँ रहूँ सो। तो अब क्या तलाक चाहती हैं, क्या चाहती हैं आप? मैं तो तलाक ही चाहती हूँ। तलाक चाहती हैं? हाँ। ना कह के मैंने मकान ही मैं खाऊ, मैं कहाँ रहूँ, मम्मी मारपीट करते ही पति है वो दारू पी के आते ही गांजो पी के आते ही मेरी मारपीट कर दी हो। अच्छा, इसकी शिकायत आपने थाने में की के पति इस प्रकार से मारपीट करता है? हाँ, की थी मैंने। तो क्या बोला थाने वालों ने? मतलब उस पे ससुर भी की थी 354। मैंने कहा मतलब कोई बात नहीं, घर का ही तो है, घर का वो ज्यादा ही परेशान करने लगा। तो इसकी शिकायत दर्ज कर दी आपने? ये दर्ज हो गया ना? हाँ। हो गया। हाँ। अच्छा, आपका ससुर दुष्कर्म करने की कोशिश करता, आपके पति कुछ नहीं कहते क्या? नहीं, पति कुछ नहीं कहते, कहते जैसा वो कहेंगे तुझे जैसे ही करना पड़ेगा। अभी जाके ना घर में दूसरा लगा दे। और अभी आपने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, आवेदन दिया, क्या बोले साहब? 3 बार फिर गए हैं मैंने। हाँ, 3 बार आई थी मैं, एसपी साहब ने मतलब बोला था, मतलब लिख के भी दी मुझे। अभी क्या बोला उन्होंने? अभी तो मतलब उन्होंने बोला के कार्रवाई करने के लिए बोला। हाँ। तो थानेदारों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की क्या? नहीं। पति भी कुछ नहीं कहता आपका? नहीं। ससुर ऐसी गंदी हरकत करता है? नहीं, एसपी साहब ने मुझे लिख के भी दी थी।